वेलकम टू शाही कुकिंग। आज मैं आपके साथ चिकन विद स्प्रिंग ऑनियन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम चिकन को हरी प्याज के साथ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लिए हैं मैंने। देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं ये हरी प्याज, स्प्रिंग ऑनियन है उसे मैंने ऐसे बारीक काट ली है, एक टोमेटो लिया है मैंने, एक टमाटर को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है, चॉप्ड कर लिया है, एक हरी मिर्च लेनी है, एक लैब मैंने बोनलेस चिकन ली है, ये गरम मसाला पाउडर है, होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है मैंने, ये 1.5 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून लेंगे हम, सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी मैं, और ये स्पाइसेस है, ये गरम मसाले में से है एक, इसे दगड़ फूल कहते हैं, इसे कलपसी भी कहते हैं, गरम मसाले में से एक स्पाइस है, इसके जो अरोमा से इसका जो टेस्ट आता है स्प्रिंग ऑनियन के साथ बहुत ही मज़ेदार होता है। ये बटर मैंने इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैं दगड़ फूल है जो ये स्पाइस है गरम मसाले की, उसे ऐड कर देती हूँ, और ये ऑनियन है जो ग्रीन ऑनियन हरी प्याज में से ये जो वाइट पार्ट है इसे ऐड कर देती हूँ मैं। और इसे हल्का सा भून लेंगे हम। देखिए, दगड़ फूल जो स्पाइस है ये बहुत ज़रूरी है, इसी की अरोमा से ये जो है बहुत ही टेस्टी बनती है चिकन। देखिए, इस ऑनियन ने हल्का सा कलर चेंज किया है, इसमें मैं ये टमाटर, कटे हुए टमाटर ऐड करती हूँ। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसमें ये जो हरी मिर्च है इसे बारीक काट देती हूँ। इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी ऐड कर देती हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने 2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और ये धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करती हूँ मैं, सॉल्ट टू टेस्ट। देखिए, इसमें मैं ये चिकन ऐड कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और बस अब ये चिकन के टेंडर होने तक हम इसे पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। देखिए, मैं स्लो फ्लेम कर देती हूँ, और अब मैं इस पर जो लीड कवर कर देती हूँ, और इसे स्लो फ्लेम पर हम इसे गला लेंगे इस चिकन को। देखिए, ये चिकन अच्छे से गल चुकी है, इसे मैंने 20 से 25 मिनट स्लो फ्लेम पर स्लो फ्लेम देकर इसे पकाया है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ। देखिए, ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसे इसलिए मैंने एंड में ऐड किया ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो इसमें ग्रीन कलर ही हमें रखना है इस स्प्रिंग ऑनियन का, और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। ये
देखिए मैंने फुल फ्लेम रखी है अभी। देखिए ये चिकन विथ स्प्रिंग ऑनियन बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की। इसे हम तंदूरी नान या चपाती के साथ सर्व करेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। देखिए चिकन बन के रेडी है, अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बहुत ही खुशबूदार बनी है ये चिकन, चिकन विद स्प्रिंग ऑनियन। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये देखिए। इसे हॉट सर्व करें आप चपाती या तंदूरी नान के साथ। देखिए ये चिकन विद स्प्रिंग ऑनियन बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मुझे बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।